वक्त की बड़ी खबर जो कि यमुनानगर से सामने आ रही, प्रवासी मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया है यहां पर। और इसके साथ आपको हम ये भी बता दें कि पुलिस ने मजदूरों पर हल्का बल प्रयोग किया था। और आपको बता दें कि जोड़िया इलाके में भारी संख्या में प्रवासी मजदूर इकट्ठा हुए और प्रवासी मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया है। हालांकि प्रवासी मजदूर लगातार अफवाहों के चलते एकत्रित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अफवाहें लगातार सोशल मीडिया पर भी फैलाई जा रही हैं कि प्रवासी मजदूरों को घर भेजा जाएगा। हालांकि ये बात सच भी है कि प्रवासी मजदूरों का राज्य सरकार इनके गृह राज्य भेजने के लिए प्रयासरत है, लेकिन फिर भी देखिए जिस तरह से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन अफवाहों के दरमियान देखें क्या क्या परिणाम निकल कर सामने आ रहे हैं। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें किस तरह से नजर आ रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरीश हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। हरीश, यहां से खबर मिल रही है प्रवासी मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया, क्या कांड रहा? जी देखिए, ये यमुनानगर कैंट क्षेत्र की घटना है कि जहां पर काफी मात्रा में औद्योगिक इकाइयां लगी हुई है और यहां पर प्लाईबोर्ड की अधिकतर इकाइयां हैं, लेकिन यहाँ पर जो काफी मात्रा में जो मजदूर पिछले डेढ़ महीने से यहाँ पर रुके हुए हैं तो और बिना किसी काम के वो यहाँ पर रुके हैं। हालांकि कुछ फैक्ट्री मालिक हैं जो इन लोगों को खाना वगैरह हर चीज इनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्री मालिक हैं जिनकी हाथ माली हालत ठीक नहीं है और इसके अलावा जो इनको खाना नहीं दे पा रहे हैं, इसके बावजूद जो है प्रशासन इन तक खाना पहुंचा रहा है। लेकिन पिछले दिनों जो है आज से दो दिन पूर्व कुछ मजदूरों को जो शिविरों में रह रहे थे उनको प्रशासन के द्वारा अपने गंतव्य की ओर भिजवाया गया, लेकिन आज ये सभी मजदूर इकट्ठा होकर निकल गए और इनका सफर का बांध टूट गया। इन लोगों का कहना चाहता है कि इनको भी अपने घर पे वापस भिजवाया जाए और जब पुलिस इनको रोकना चाहा तो इन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। जी जी हरीश, अब पुलिस कर्मियों की ओर से क्या कुछ कहना है? क्या किसी के जान माल की यहाँ पर हानि हुई है, किसी के हताहत होने की कोई खबर मिली है? फिलहाल जो है पुलिस ने इनको हल्का बल प्रयोग करके इन लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया है और अभी तक स्थिति नियंत्रण में है। तो जबकि प्रशासन का कहना है कि इस मामले में जल्द ही इन लोगों को इनके घर पहुंचाया जाएगा और इस संबंध में जो प्रदेश सरकार और प्रशासन भी प्रयास करता है कि इन लोगों को जल्द से जल्द इनके घर पहुंचाया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरीश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया। हालांकि पुलिस बल ने स्थिति संभालने की पूरी कोशिश की, पुलिस बल को भी, पुलिस कर्मियों को भी थोड़ा बहुत बल का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन आप देखें कि इस तरह से जो खबरें सामने आ रही हैं वो खबरें वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली हैं कि किस तरह से प्रदेश में जो नियम है उनका उल्लंघन सरेआम हो रहा है।